तो क्या हो अगर तुम एक जो गेम है उसके वर्ल्ड में अंदर जा सको। तो इसी चीज को या कॉन्सेप्ट को सोचते हुए वार्नर ब्रोज ने निकाली है ए माइनक्राफ्ट स्टोरी, या कह सकते हो माइनक्राफ्ट गेम पे ही पूरी एक मूवी निकाल दी है। अब कैसी होगी वो तुम्हें ट्रेलर में पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो मेन लीड एक्टर को वो अपना बारबी बनाया गया ना, बारबीफिकेशन किया है, बहुत ही गलत लग रहा था, उसको नहीं करना था, पता नहीं क्यों किया गया। बट जो कि बेसिक स्टोरी लाइन रहने वाली है वो तुम्हें पता ही है कि क्या करना है। तुम इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में जा चुके हो, जैसे कि तुमने बहुत सारी मूवी में देख रखी है, जुमानजी हो गया और भी बता देंगे, जुमानजी सोनिक मतलब टाइप ऑफ सोनिक जैसे रियल लाइफ में आ जाता है, पिकाचू जैसे कि रियल लाइफ में आ जाता है, पिकाचू और सोनिक थोड़ा अलग उसमें चले जाते हैं, बट जुमानजी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सेम सिनेरियो का जो मूवीज में होता है और बाई वर्ड अच्छा लगता है। बट इसमें माइनक्राफ्ट है तो तुम्हें पता है कैरेक्टर्स क्या क्या हैं और मतलब जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही 3D है, ठीक है, जैसे कि सोनिक में होता है, सोनिक का कैरेक्टर पूरा ही 3D है, बजट बहुत ज़्यादा लगेगा, बट अप टू मार्क पहुँचने की बातचीत है, ठीक है, कि जो ऑथेंटिक चीज़ है ना वो वैसे ही दिखाई है, जैसे माइनक्राफ्ट में जब तुम किसी लकड़ी के हिस्से को तोड़ते हो तो एक छोटे से साइज में आ जाता है ताकि तुम उसको कलेक्ट कर पाओ, ये गेम की चीज़ है। तो हाँ, तुमने अगर किसी गेमर की माइनक्राफ्ट वीडियो देखी तो तुम्हें पता होगा थोड़ा बहुत। बट क्या मूवी अच्छी होने वाली है? तो मुझे लगता है कि अभी जो क्रेज है ना माइनक्राफ्ट का वो आराम से झेल लेगी, कि इतने बढ़िया ऑडियंस है अभी, तो अगर बच्चे जाएंगे, ठीक है, बच्चों के लिए मूवी बनी है तो आराम से जो बजट है उससे ऊपर ही जाएगी, जैसे कि बारहवीं के साथ हुआ, हमें लग रहा था कि बस बच्चे देखने जाएंगे पर जा रहे थे 30-30 साल के लौंडे, क्योंकि बारहवीं हो गया था, ठीक है। अगर तुम माइनक्राफ्ट मूवी को बहुत प्रॉमिसिंग मान रहे हो तो नहीं होने वाला, कि स्टोरी लाइन पर बहुत ज़्यादा बिल्ड नहीं करेगी, इनके सेम अंदर गए तो मैं एंडर ड्रैगन मारना है जो मेन विलन होता है एक तरीके से, उसको मारने के बाद गेम खत्म हो जाती है, जिसमें तो सेम ही है, तो सेम यहाँ पे भी रहेगा, जो स्टीव है जो गेम का कैरेक्टर होता है वो वहाँ पर फंसा हुआ दिखाया जाएगा, मेरे हिसाब से ऐसा है। तो ये सारी अजम्पशन है इसके आगे, जो जो स्टीव है वो जो बूढ़ा हो चुका है उस गेम में फंसे फंसे, क्योंकि वो कभी मार ही नहीं पाता एंडर ड्रैगन को, एंडरमैन को, और वो इसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। और जो लावा है एंडर वर्ल्ड है, एंडर पोर्टल से निकल के जाते हैं एंडर वर्ल्ड में, मतलब अंडर वर्ल्ड में, ठीक है, उसका एंडर कर दिया है बस। तो हाँ, वहाँ जाके तुम्हें एक ड्रैगन को, काले ड्रैगन को हराना पड़ता है, रेसिस्ट तो पूरी गेम ही है, जितने भी काले लोग हैं गेम में सब बेकार है, तो हाँ गेम तो रेसिस्ट है ही। तो ऐसा कुछ बनाओ जो वाइट भी थोड़ा गंदा हो, वाई नॉट वाइट, एसोसिएट कर देते हैं ब्लैक को गलत चीज़ से, ठीक है। तो मूवी में यही होने वाला है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल फंस जाएंगे एक गेम के अंदर, वो भी एक 3D वर्ल्ड में जो कि पूरा माइनक्राफ्ट का गेम होगा, और उन्हें मारना होगा एक ड्रैगन को ताकि वो बच के या जो उसके पास पावर है उससे बाहर निकल सके। अब ये कैसे होगा क्या होगा वो हमें मूवी में ही पता चलेगा, इतने टीजर पे बात कर ली है। तो अब मैं मिलता हूँ तुम्हें एक अगली वीडियो में या अगले मूवी रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, गुरु दुरुस्त रहना, आते रहना, एल्फा वर्ल्ड पे वापस से, बाय बाय।